सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहित बाबारी और आज मैं आपको बताऊंगा सिफिक्सेंट एंटीबायोटिक के बारे में। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक यानी कि जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाए तो वो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दवाई दी जाती है उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है सिफिक्सेंट एंटीबायोटिक, ये सिफालोस्पोरिन ग्रुप ऑफ जो एंटीबायोटिक्स है उसमें आता है। ये जो सिफालोस्पोरिन ग्रुप है उसमें सिफिक्सेंट, सेफोडोक्सेन, सेफ्ट्राइक्सोन, सेफोरोक्सेन, सिफालेक्सिन, ऐसे करके बहुत सारी मेडिसिन आती है। वो मैं आपको हर एक जो उसका जो टॉपिक है वो अलग अलग वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है सिफिक्सेंट एंटीबायोटिक, ये सिफालोस्पोरिन ग्रुप में आती है। और ये जो सिफिक्सेंट जो दवाई है ये 1979 में ये पेटेंट हुई थी। 1979 में पेटेंट होने के बाद 1989 से इसका मेडिसिनल यूज हो रहा है। ये WHO के मुताबिक सबसे सेफेस्ट मेडिसिन है, एसेंशियल है और मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो एंटीबायोटिक है ये कौन कौन से डिजीज में दी जाती है, इसके इंडिकेशन के बारे में, इसका क्या डोजेज होता है, उम्र के हिसाब से, इसका वेट के हिसाब से कितनी दवाई दी जाती है, इसके डोजेज के बारे में और इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकती है, और लास्ट में ये हमारे इंडिया में ये कौन कौन से ब्रांड से ये सिफिक्सेंट दवा मिलती है, ये सारे पॉइंट्स पर मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं ये मेडिसिन की इंडिकेशन के बारे में कि कौन कौन से डिजीज में ये दवाई दी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। पहला, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में दी जाती है, यानी कि गले के रिलेटेड, लंग्स के रिलेटेड कोई भी बैक्टीरियल डिजीज हो तो उसमें ये दवाई दी जाती है। जैसे कि कोई थ्रोट का प्रॉब्लम हो, लंग्स के रिलेटेड न्यूमोनिया हो या फिर ब्रोंकाइटिस हो, ऐसी कोई भी डिजीज कंडीशन को ठीक करने के लिए ये सिफिक्सेंट दवाई का कोर्स दिया जाता है। दूसरी डिजीज कंडीशन UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर यूरिन के रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको भी ठीक करने के लिए ये दवाई सक्षम है। उसके बाद ईयर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जैसे कि ओटाइटिस मीडिया या फिर गोनोरिया यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसमें पेनिस से डिसर्ज निकलता है, यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और ये डिजीज कंडीशन को ठीक करने के लिए भी ये सिफिक्सेंट दवाई दी जा सकती है। उसके बाद बाइलरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि जो लीवर के नीचे पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर है, उसके ट्रैक के रिलेटेड कोई इन्फेक्शन लग जाए तो उसमें भी ये दवाई काम आती है। और लास्ट कि ये हर तरह के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जैसे कि टाइफॉइड हो तो टाइफॉइड में आंत में बैक्टीरिया होता है तो उसको मारने के लिए ये दवाई दी जाती है। इसलिए इसका जो लास्ट इंडिकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये हर तरह के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए दी जाती है। ये हुआ उसका इंडिकेशन, इतनी डिजीज कंडीशन में ये दवाई दी जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसके डोजेज के बारे में। डोजेज यानी कि कितनी मात्रा में ये दवाई देनी चाहिए। हर एक का वेट अलग अलग होता है और वेट के मुताबिक इसका डोज भी अलग अलग रहता है, इसे डोजेज कहा जाता है। ये सिफिक्सेंट जो एंटीबायोटिक है इसका डोजेज रहता है अप्रोक्सली 10 mg/kg/day, यानी कि एक दिन में अगर 1 kg किसी का वेट है तो उसको 10 mg ये सिफिक्सेंट कंटेंट देना चाहिए। शायद आपको नहीं समझ में आया होगा इसलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं कि मान लीजिए किसी का 10 kg वेट है, एक साल डेढ़ साल किसी की एज होती है तो उसका वेट अप्रोक्सली 10 kg के करीब होता है। अगर किसी का वेट 10 kg है तो उसको आपको देनी है 10 mg/kg के रूल्स के मुताबिक आपको 100 mg देनी है और उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, एक सुबह में और एक शाम में, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। यानी कि अगर 10 kg के किसी आपको चाइल्ड को दवाई देनी है तो उसको 100 mg देनी है, वो भी 50+50 मॉर्निंग एंड इवनिंग। अगर उसकी आप वेट चेंज कर लीजिए, अगर किसी का 20 kg वेट हो तो उसको आपको देनी है 200 mg और वो 100+100 होगी। और अगर किसी को आप किसी का वेट 40 kg है या फिर 40 से ज्यादा है तो फिर उसका डोजेज रहेगा 400 mg जिसमें रहेगा
200 mg सुबह में उसको गोली देनी है और 200 mg की सिफिक्साइम गोली शाम को देनी है। और अगर किसी का वेट 40 से भी ज्यादा हो जाए तो फिर उसका डोजेज यही रहता है, ये उसका लास्ट डोजेज है। और ये जो सिफिक्साइम दवाई है ये देने के तुरंत 30 मिनट्स में, आधे घंटे में इसकी इफेक्ट आनी शुरू हो जाती है। तो ये हुआ सारे पॉइंट्स उसके डोजेज के बारे में। और आज के इस हमारे टॉपिक के लास्ट पार्ट में कि इसके क्या साइड इफेक्ट है, क्या इसकी एडवर्स इफेक्ट है। हर एक दवाई की कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होती है। आप पैरासिटामोल ले लीजिए तो उसकी भी कुछ साइड इफेक्ट होती है, लेकिन उससे जो बेनिफिट हो रहा है ये ज्यादा परसेंटेज में है, और साइड इफेक्ट जो इसकी होती है ये बहुत कम लोगों को होती है, बहुत कम प्रतिशत लोगों में ये साइड इफेक्ट देखने में मिलती है। लेकिन अगर किसी को साइड इफेक्ट हो तो साइड इफेक्ट ऐसी हो सकती है जिसमें जीआई डिस्टर्बेंस हो, यानी कि पेट का प्रॉब्लम हो, सर में दर्द हो, हेडेक हो, डिजीनेस हो, चक्कर जैसा लगे, या फिर शरीर में दाने दाने निकले, रेसिस निकले, ये साइड इफेक्ट देखने में मिल सकती है। अगर आपको पास्ट में किसी भी मेडिसिन से अगर आपको साइड इफेक्ट हो रही हो तो उसका आपको एक नोट डाउन, एक चार्ट रखना चाहिए, एक पेज रखना चाहिए। आप जब भी डॉक्टर के पास दूसरी तकलीफ के लिए दवाई लेने जाइए तब वो आपको कागज दिखाना चाहिए कि आप पर्टिकुलर मेडिसिन से आप सेंसिटिव हो, ताकि डॉक्टर वो मेडिसिन आपको रिपीट ना करे और आपको जो साइड इफेक्ट हो रही है वो आपको फेस ना करनी पड़े। तो ये सारे पॉइंट हुए सिफिक्साइम मेडिसिन के बारे में। और लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ ऐड कर रहा हूं कि कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे कि 6 महीने से कम उम्र वाला बच्चा हो तो उसमें ये दवाई देनी है या फिर नहीं देनी है, तो उसका प्रिकॉशन लेना जरूरी है। अगर किसी को किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये दवाई बेनिफिशियल रहेगी, ये डॉक्टर के द्वारा जज किया जाता है। अगर किसी को पेनिसिलिन का रिएक्शन आ रहा हो तो उसको भी ये सिफिक्साइम का रिएक्शन आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये सारे प्रिकॉशंस डॉक्टर के द्वारा रखे जाते हैं और पेशेंट से हिस्ट्री ली जाती है। इसके लास्ट पार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सिफिक्साइम मेडिसिन है ये कौन कौन से ब्रांड से मार्केट में मिलती है। ये जो सिफिक्साइम दवाई है ये मिलती है जिफी करके आती है, टॉपसेफ करके आती है, सेफ्टास करके आती है, महासेफ करके आती है। ये अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग नाम में ये दवाई मिलती है। ये हर एक पावर में मिलती है। 25 mg का ड्रॉप मिलता है, उसके बाद 50 mg, उसके बाद 100 mg की टेबलेट और 200 mg की टेबलेट, ये सारे पावर्स में ये दवाई अवेलेबल होती है। तो आज के हमारे वीडियो की जो कंटेंट था वो सिफिक्साइम एंटीबायोटिक, जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई, इसका इंडिकेशन क्या है, ये कौन कौन से डिजीज में दी जाती है, इसकी साइड इफेक्ट क्या है, इसका डोजेज क्या है, इसमें क्या प्रिकॉशंस लेना होता है, ये और ये कौन कौन से ब्रांड से मार्केट में अवेलेबल है। लाइक माई वीडियो, अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए, मुझे कमेंट करिए, कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट करिए या फिर मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ये सिफिक्साइम था, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सेफोडोक्साइन।